सांगत ब्लॉक के दिलीपरा उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यार्थी सोमवार को पैदल ही सांगत पहुंच गए। विद्यार्थी 8 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी पीड़ा अधिकारियों को बताने सांगत पहुंचे। यहां उन्होंने एसडीएम कार्यालय में धरना दिया और नारेबाजी कर रोष जताया। बाद में उन्होंने एसडीएम कमल कुमार मीणा को अपनी पीड़ा बताई और ज्ञापन देकर शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति की मांग रखी। सांगत पहुंचे विद्यार्थियों ने बताया कि 12वीं तक संचालित दिलीपरा के स्कूल में 200 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बीते कई माह से मुख्य विषयों के भी शिक्षकों के पद रिक्त हैं। स्कूल में अंग्रेजी, संस्कृत, चित्रकला और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक नहीं होने से बच्चे स्कूल आते हैं, लेकिन बिना पढ़ाई किए बच्चों को निराश मन से घर लौटना पड़ता है। इनकी परेशानी का आलम यह है कि गाँव में ही कई बार जनप्रतिनिधियों को समस्या बताने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ तो 2 दर्जन से अधिक विद्यार्थी पैदल ही अधिकारियों को अपनी समस्या बताने गांव से निकल पड़े और 8 किलोमीटर पैदल चलकर सांगवद में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां एसडीएम कार्यालय में विद्यार्थियों ने 2 घंटे से अधिक समय तक धरना दिया और शिक्षकों के रिक्त पदों पर रोष जताते हुए नारेबाजी की। बाद में छात्रों ने एसडीएम कमल कुमार मीणा को अपनी पीड़ा बताई और शिक्षक लगाने की मांग रखी। एसएमसी अध्यक्ष गिरिराज मेहता ने बताया कि सरकारी स्कूलों में सरकार बच्चों को नामांकन पर जोर दे रही है, लेकिन यहां 2 साल से शिक्षक नहीं है। 15 सितंबर तक शिक्षकों के पद नहीं भरे गए तो स्कूल को ताला लगाकर विद्यालय का बहिष्कार किया जाएगा। खाली स्कूल चल रहे हैं, उसमें 4 शिक्षकों की कमी है और जो गरीब बच्चे आते हैं ना वो घूम घाम के स्कूल में चले जाते हैं, कोई पढ़ाते नहीं, वहाँ पे टीचर नहीं। जो इसमें सर आए वो भी यहाँ चुनाव की इसमें लगा ली आए जिसमें लगा लिए। हमारे अध्यक्ष साहब से बोला था कि उन्होंने कहा कि 5 तारीख तक इंग्लिश का टीचर की व्यवस्था कर देंगे, पर आज 10 तारीख हो चुकी है, अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई। वहाँ से कैसे आए? पैदल ही आए, पानी में आए, 3 फीट पानी में निकल के आए।